अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन, और इस्कॉन में यहाँ पे दिए दे रहे हैं। हाँ वाह वाह, लगा ये बढ़िया। तो अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन, और ये है इस्कॉन की एंट्री। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हम बैक साइड वाले गेट से आए थे हम। ये हमें यहाँ पे दिया गया है। वाह, फूलों की सेवा चल रही है यहाँ पे सजाने के लिए, और माला बनाई जा रही है। यहाँ तो बिल्कुल अद्भुत अलग ही माहौल है, और ऊपर से कल सेलिब्रेशन है तो ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं। वाह, मैं तो आई थिंक फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। हरे कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा। ये हैं वृंदावन की गलियाँ, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा इस्कॉन में। और मैं तो शायद इस्कॉन में पहली बार आया हूँ क्या, मेरे को लग रहा है मैं दूसरी बार आया हूँ। आया हूँ ना, बट रात के टाइम नहीं आया ना, नॉर्मल टाइम पे आए थे, तब तो नॉर्मल टाइप का था। बट अब एकादशी और कार्तिक के महीने में आए हैं, एकादशी के आसपास, तो अलग ही माहौल था, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे मुझे ये बताया कि एकादशी में ही यहाँ पे दिए जाते हैं, वो एक महीने का जो टाइम होता है, आई थिंक 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक महीने में दिए जलते हैं पूर्णमासी तक। ये बात ये कार्तिक में पूर्णमासी तक दिए जलाए जाते हैं। हमें तो लग रही थी तगड़ी भूख, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मगर हमने खा लिया और मज़ा आ गया। हाय गाइस, शुरुआत कर रहे हैं नहीं दिन की नहे क्या होता है, शुरुआत कर रहे हैं नए दिन की वृंदावन की गलियों में। और यहाँ हम स्टे कर रहे थे इस जगह पे, और सामान वान निकाला जा रहा है, एंड मम्मी के साथ अभी बहुत कुछ हुआ है। मम्मी मेरे से पहले लिफ्ट पे निकल गई थी, मगर मेरे से पहले पहुंची नहीं नीचे, ये समझ नहीं आया क्या हुआ आपके साथ मैडम। मेरी जान निकल गई एकदम से, क्यों क्या हुआ। मैं लिफ्ट दबाई, वो मैं नीचे पहुंच गई, मैंने कहा रहने दे भैया ऊपर पहुंचा दे, मैं पैदल चली जाऊंगी नीचे, फिर दोबारा फर्स्ट पे। मैं बाहर आया, मैं इससे पूछ रहा हूं, मैं कहा मम्मी आ गई, कह रही मम्मी तो आई नहीं। मैं कहा मम्मी तो मेरे से पहले निकल गई, मैं तो बोतल भी भर रहा था उसके बाद, अब तक तो पहुंच जानी चाहिए थी। मैं जल्दी गया लिफ्ट का बटन दबाया, चलो अभी सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये है परिक्रमा मार्ग जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, फंस फंस के बैठे हुए हैं। वाला जो आश्रम बन रहा है, ये अनिरुद्ध आचार्य जी का आश्रम जो बन रहा है, गौरी गोपाल आश्रम, ये वाला आश्रम है। ये कहते हैं मेरे यहाँ खाना खाने आओ, तुम्हें शुद्ध देसी घी का खाना मिलेगा। हाँ। पर आजकल ये कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म वालों को है ना फ्री मिलता है, फ्री खाना बांटते हैं, बांटते हैं अन्नदान अन्नदान जितना हो, वृद्धों का आश्रम भी तो बोल रहे हैं। इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज का आश्रम, लंगर बट रहा है, लंगर। रोको तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई। सो फाइनली वृंदावन की मेन जगह बांके बिहारी टेंपल की तरफ हम जाते हुए, एंड हम तो पीछे वाले रास्ते से आए हैं, और परिक्रमा भी हो रही थी काफी, आप लोगों ने देखी होगी। एंड मम्मी देखो एकदम रंगीली बन के,
और ये एकदम पीली बन के, और मैं एकदम मिक्स बन के, दोनों का जा रहे हैं यहाँ से बागे बिहारी जी के दर्शन करने। बोलो जय श्री बागे बिहारी जी। बागे बिहारी, हमारी हमारी बहने भी जा रही है, सीता गीता, सीता गीता वो ही आगे। ये देख चुके हैं सारे आप वीडियो में कौन कौन जा रहे हैं। ये मामा है मेरे और वो दोनों कमला नगर वाले हमारे मामा मामी टाइप, मासी सॉरी मामा और मासी टाइप। ये मेरी बहने जा रही हैं जो कजन है कमला नगर वाली, और मेरा भाई कजन, हम लोग सब मिल के आए हैं क्योंकि आगे चल रहे हैं। भाई मैं तो स्लो ही चलूंगी। हाँ, और ये बहुत आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत इनको नॉलेज है यहाँ पे आने की, क्योंकि पूरा घर परिवार बचपन से ही यहाँ के भक्त हैं ये कृष्ण भगवान के। ठीक है, इनकी जन्माष्टमी भी आपने देखी होगी, 60 सालों से सजा रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छी होती है, देखने लायक होती है। कमला नगर में कोई ऐसी दिल्ली में नहीं सजाता जो इनकी जन्माष्टमी होती है, पूरी भगवान की लीलाएं भी होती है इनमें। ठीक है समरिया। और हमारी ये चला आ रहा जब से परंपरा इनकी समरिया। ठीक है, अभी हम ये जो मंदिर में आए हैं, ये मंदिर कौन सा है और इसके बारे में बता दो। ये मृदुल किशन शास्त्री जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है उनका। ये उनका परिवार की फोटो लगी है। ये है मृदुल किशन शास्त्री जी का है, और इसमें जिन्होंने राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी उन्होंने गाया हुआ है, जो सबसे पहले फेमस हुआ था उन्हीं का है। ये है मृदुल शास्त्री जी के मंदिर से स्नेह बिहारी जी के दर्शन। राधे 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 राधे। वाह, अरे तीगाओ। कोशिश है दर्शन की, पतली पतली गलियों में जा रहे हैं, चलते रहे तेज तेज कि हम दर्शन कर पाए। कोशिश है, देखते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारे हो गए बीच वाले गेट एंट्री। बोलो राधे। बिहारी जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। बहुत ही बढ़िया, और थैंक गॉड मम्मी की वजह से हम दिए लाए हुए थे तो हम दिया जला रहे हैं। मम्मी जान बेजान जुगाड़ निकाल लेती है, आराम से माला वाला पहन के अच्छे से दर्शन करके मम्मी आएंगे। अभी दर्शन करा दे, क्या बात है, कहाँ दर्शन करके आ गए। राधे राधे। आज के दिन बहुत ही प्यार से दर्शन हो गए, बहुत ही प्यार से, पूछ नहीं सकते आप। एक तो थोड़ा वीआईपी एंट्री हो गई भगवान की दुआ से, ट्रीटमेंट वैसा मिल गया हमें। मैं तो ऊपर बाबा ने करा दिया, और मम्मी तो हाँ ऊपर भी गई, माला पंडित जी ने पहना दी, दूसरे ने कहते इधर आओ क्या बात है, दूसरे बैठे हुए। अच्छा, तो मैंने कहा पंडित जी आप अंदर गए थे, मैं देखा था, देखो मम्मी वहाँ बोल रही है, बताओ। फिर मैंने बताया, फिर उन्होंने कहा था दो प्रसाद यहाँ से लो, फिर माला पहनाई। अच्छा, कलश से पैसे निकाल दिया, प्रसाद नहीं दिया। तो बेसिकली मम्मी के साथ क्या हुआ है, मैं एक पंडित था तो थोड़ा सा मिस ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ पे, कि मम्मी प्रसाद मांग रही, थोड़ा प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, उन्होंने दिया नहीं,
फिर मम्मी ने थोड़ी दक्षिणा डाली, अब डाल दी अपनी श्रद्धा से जो भी डाले, अब आपने कितने डाले उसका कोई मतलब नहीं है वैसे, बट ठीक है। तो ये जो हमारे हिसाब से थे हमने डाल दिए, उसके बाद फिर उल्टा बोला जाओ ले जाओ अपना पैसे, क्या समझते हो खरीद लिया समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा ये चीज़ें गलत है वैसे ऐसी जगहों पे, थोड़ा फिर कंप्लेंट करने के लिए गए बट हो नहीं पाया, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। तो बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद माना जाता है राधा वल्लभ जी के दर्शन भी करने चाहिए, नहीं तो उसके बिना कंप्लीट नहीं मानी जाती आपकी ट्रिप और दर्शन भी। तो अभी उसी के दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पे भी हरे कृष्णा हरे रामा हरे हरे। ये है श्री राधा वल्लभ मंदिर, यहाँ से इनकी एंट्री है और इनके दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो इसके बाद ही आपकी जो पूरी दर्शन है कंप्लीट माने जाते हैं। जैसे मैंने बताया राधा वल्लभ जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है और ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बांके बिहारी टेम्पल हो और बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद पट बंद कर देते हैं। ये क्या फेमस है? ये ऐसा कहा जाता है कि राधा वल्लभ जी के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब आप बांके बिहारी के दर्शन करके आते हो। राधा वल्लभ जी के दर्शन करोगे तो आप सोच लो कि आपने बांके बिहारी के दर्शन पूरे कर लिए, ऐसी मान्यता है। और आप कुछ बता रहे थे? कि अकबर के जो एक नवरत्न थे रहीम, उनका भी नीचे महल है जो कि बना हुआ है, इसी के साथ में ही है नीचे। कितना पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर। जाएंगे भी हम रहीम खाना मखाना। हाँ अभी उतरेंगे, अभी हाँ लोग चलो चलते हैं रहीम खाना मखाना। राजा अकबर के दरबार, वहाँ के उनके वो भी थे फौज के भी होते और जिनके दोहे मशहूर है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। मैंने कृष्ण जी के ऊपर बहुत लिखा है रहीमन धागा प्रेम का। बड़े राधा वल्लभ भगवान की आज के आनंद की और आज शाम को यहाँ पे तुलसी विवाह है, कृष्ण जी दूल्हा बने। और मम्मी हमारी आ चुकी है फाइनली अंदर दर्शन करके, मम्मी हर जगह फुल दर्शन करके आ रही है अपना, बांके बिहारी में भी अच्छे खासे दर्शन कर लिए और ये अब राधा वल्लभ जी से भी अच्छा खासा प्रसाद लेके आई है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मम्मा आप इधर देख लो, आप बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये मंदिर है रहीम खानम खानम के द्वारा बनाया गया जो अकबर की बादशाही में थे, एंड ये राधा वल्लभ श्री हरवंश जी फौज के वो थे बड़े वो। अच्छा नवरत्न में के पार्ट थे वो, मतलब वो भी थे नवरत्न, एक नवरत्न थे और उनकी फौज के वो थे। अच्छा और कृष्ण भक्त थे। अच्छा कृष्ण भक्त थे, उन्होंने मनवाया। उन्होंने जिनके दोहे आज तक मशहूर है। अच्छा चलो थोड़ा देखेंगे दोहे के बारे में क्या है क्या नहीं। हाँ और कितनी अच्छी नक्काशी, पहले टाइम का बना हुआ है ये, अकबर के टाइम का, मुगलों के ज़माने का बिल्कुल। और लग रहा है ट्रेडिशनल एकदम, लग रहा है कुछ क्लासी सा। हाँ क्या बात है, कितना प्यारा लग रहा है वो कलर, देखो ब्लू कलर कितना प्यारा लग रहा है। अभी जो जगह है ये अब्दुल रहीम खान खाना के दीवान ने बनवाया था, उन्होंने भी बनवाया था और सबसे पहला मंदिर था। जय गऊ मैया की, वाह वाह वाह, बच्चा माँ को प्रेम करता हुआ, वाह क्या बात है। अब हमने सारे दर्शन कर लिए हैं मोस्टली। बेटे मम्मी के डिस्काउंट वाली दिल्ली दिल्ली से ना बार्गेन करती रहती है, पूरा तोड़ देंगे रेट सारे। क्या क्या नाम बुलाते थे,
बड़ा मजा आता था। तो कहाँ से इंग्लैंड से वापस आ गया था वो? हाँ। कबूतर 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 इंग्लैंड से वापस आया था। उड़ के कैसे? उड़ के आ गया था। हाँ हाँ बता रही हूँ, ये हम बड़े हैरान थे क्योंकि विनय को पहचान दिया हमने कबूतरों की। तो कैसे पता चला उन्हें? उनको कैसे पता चला मेरे ये कबूतर? वो सब उतार लेते थे, उतार लेते थे, जब आते हैं तो उनको नाम से बुलाते हैं, तो नाम से आ जाता है, पहचान भी हो जाती है। नहीं लोगों को इनकी पहचान होती है बहुत अच्छी तरह से। छोटा गन्ना और इनके पैरों में छोटी छोटी चूड़ियां भी डालते थे, याद है? पर्चियां लगा के भेजी थी पैरों में, छोटे छोटे छल्ले होते हैं ना, मतलब वो सच्चे कबूतर। पहले पहले ऐसे ही होता था, पहले ना दो सुंदर पहले ना छल्ले से मिलते थे, छल्ले और बड़े प्यारे छल्ले मिलते थे ना कांच के। प्रेम कहानियां ऐसे ही, चांदी चौक की प्रेम कहानियों में यही था कि कबूतर से मैसेज भेजे भेजे जाते थे और वहीं से वो लेते थे। वहाँ फिर उसको है ना वो पर्ची बांध देते, उसको अपना कबूतर इधर भेजेगा पर्ची लिखी हुई मैसेज, वो उधर ही उतरेगा जाके, वो दाना डाल के उतार लेते थे इनको। दाना डाल के उतार। चिट चैट सेशन विद पंजाबी पहाड़ी कनेक्शन। ये हॉर्न बड़े मारते हैं भाई, गुज जाते हैं बड़े दिमाग में। हां अपना ही करना है। क्या कह रहे हो, कौन गया था? मेरी ताई जी। अच्छा हां बस पैदल पैदल बदरी वो भी। अरे मेरी भाभी की बुआ, वो लाला जी की नानी की नानी, वो भी पैदल गई थी। उनकी बहन बेबी मतलब कि इनकी बुआ, मामा जी की बुआ, वो पैदल गई थी बद्रीनाथ। हाँ केदारनाथ से हम ठाकुर जी आए। अरे जब मेरी मम्मी के पास ठाकुर जी है ना सारे, मेरी वही मम्मी की जो बुआ थी ना उसने दिया उनको, सबको देकर गई थी वो दो दो ठाकुर। हमारे को चार है हमारे पास, लेकिन सबको मेरी मम्मी की बुआ ने। आपकी मेमोरी की भी याददाश्त की भी दाद देनी पड़ेगी भी। सही बात है, मेरी मेमोरी तो ठीक है। आज तक जिनकी मैं जा रही हूँ उनका सब यादें हैं, बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हो। बातें और करोगे, हम बातें और करेंगे। सही बात, इसलिए वही बात बार बार रिपीट। हमको ये साथ थोड़े तुम्हारे बैठते हैं जब इस तरह की बातें अभी हो रही है ना, ये तभी होती है जब हम ग्रुप में होते हैं। चार रोज मिलकर बैठेंगे। हाँ कोई बात में से बात निकल आती है, ऐसे बातों से बात निकलती है। हाँ। माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो खाली चल रहे, मगर बस जो भी है चलो मजाक की बात है। बाकी भी आ रही, हम गए, हमने सोचा नहीं था, मतलब सोचा तो मैंने था यार बड़ी भीड़ रहती है और सबने देखा ही होगा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बड़ी घिचपिच रहती है, बट बिहारी जी की कृपा से कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। जहाँ जा गए एक सेकंड में एंट्री हो गई हमारी, वो कृपा रहती है, अब कहीं आगे से कहीं पीछे से पता एंट्री हो गई और कृपा से सारे काम हो गए। बहुत अच्छा हो गया भगवान ने। मैं कहती हूँ जिस मंदिर में गए हैं, हमें जितना हाँ। डरते थे ना दिल्ली से आने के लिए, हाय ये एकादशी का रश होगा वो होगा, लेकिन अचानक ही हो गया। आज एकादशी का भी दिन है तो बहुत ही मतलब भीड़ वाला दिन है और कार्तिक का महीना है, वो भी पता नहीं लगा भैया किस तरह दर्शन हो गए और अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा हो गया बहुत ज़्यादा। और बट्टू जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। अच्छा अभी चल रहे हैं, थोड़ा मेहनत वाला काम चल रहा है इनका, और ये थोड़ा फ़र्क ये भी पड़ जाता है क्योंकि जिनके साथ हम आए हैं उनको थोड़ा नॉलेज है यहाँ का, आगे पीछे का पता है, तो बहुत स्मूथ वे में मतलब वन मतलब ए बी सी ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट कवर करते गए, कहीं आगे पीछे भी नहीं जाना पड़ा, तो वो भी बहुत फ़र्क पड़ गया वैसे।